हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है वह इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और यह जो है लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। और वहां जाने से पहले हमने कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दुधवा के ही अंतर्गत आता है, उसके थ्रू हम जाएंगे। और अभी हम कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री कर चुके हैं और दोनों तरफ जंगल है, लंबे लंबे पेड़ हैं। तो हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं और फिर कतरनिया घाट होने के साथ साथ चलेंगे दुधवा नेशनल पार्क, फिर देखते हैं क्या वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जनरली यह एक तरह से टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे गेंडे मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं, हाथी मिल जाते हैं, हिरन भी मिलेंगे आपको। तो हम आपको यहाँ से कतरनिया घाट जंगल का व्यू दिखाते हैं। बगल में छोटी लाइन गुजर रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको घाघरा बैराज दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से पानी जो है नहर से निकल रहा है और बहुत सारी यहाँ से जाती। हम लोग आ चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क और यहाँ से हम जंगल सफारी को जाने वाले हैं। थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लखीमपुर में है और थोड़ी दूर पे एक खीरी नाम का जगह भी है। दुधवा नेशनल पार्क जो है पलिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ जो है यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर और यहाँ पे रहने के लिए एकोमोडेशन की पूरी व्यवस्था है। और फिर जो है यहाँ सरकारी कॉटेज बुक करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन बुकिंग करना होता है। जंगल सफारी के लिए जो है बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वो सारी गाड़ियाँ जो है आपको ऑनलाइन बुक करना होता है। उसके लिए ऑफलाइन बुकिंग यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको जो है 4,000 रुपये जो है देना होगा और जिसके लिए आपको पहले ही बुक करना होता है। जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा, वो यहीं पे पाया जाता है। जनरली यहाँ पे बारहसिंघा और टाइगर के लिए यह फेमस है। हाथियों का झुंड भी आपको मिल सकता है, क्रोकोडाइल मिल सकते हैं, लियोपॉड मिल सकते हैं, बंदर तो बहुतायत मात्रा में है। तो यहाँ आने के लिए आपको पलिया आना होगा और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है दुधवा स्टेशन है। लेकिन दुधवा स्टेशन जो है उसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है हर जगह से, क्योंकि वह छोटी लाइन है और नानपारा से जो है मैलानी के लिए ही ट्रेन चलती है। तो इस वजह से यहाँ ट्रेन से आने के लिए आपको शाहजहाँपुर आना होगा और वहाँ से आपको बाई रोड ही आना होगा। और एक बार पलिया आप पहुँच गए तो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। बहुत ही शानदार है जगह। टाइगर मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन अगर आपका लक सही रहा तो आपको टाइगर मिल सकता है। आज हम लोग जाएंगे और देखते हैं कि क्या हमें टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं। लगभग 800 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह जो है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है और नेपाल और इंडिया जो है जंगलों के थ्रू इसी जो है रेंज से जुड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं अंदर में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। म्यूजियम है और इस म्यूजियम में हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं और अंदर में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं हम आए हैं यहाँ पे म्यूजियम में। यहाँ पे बाघ के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है।
बाकी 8 उप प्रजातियाँ, बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, सुमात्रा टाइगर, साइबेरियन टाइगर, 3 विलुप्त हो चुकी हैं, कैप्सिकन, बाली और जामुन। बाघ एक बार में 40 किलो के लगभग मांस खा सकता है। पूरे विश्व में जंगल की अपेक्षा कैद में अधिक बाघ है। 3167 हैं 2022 के हिसाब से, और बाघ के पांव के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। बाघ के केवल 30 दांत होते हैं। उन्नीस सौ के दशक में लगभग 1,00,000 बाघ थे, जो कि अब 3,900 मात्र बचे हैं। इसमें से अधिकतम इंडिया में है। एशियाई हाथी के बारे में जानकारी यहाँ पे है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस के बारे में जानकारी है, लियोपॉड के बारे में जानकारी है, बारहसिंघा के बारे में जानकारी उपलब्ध है, और यहाँ पे जो है स्केल्टन रखा हुआ है कुछ, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर में जो है पूरा टाइगर का रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई हैं, और ये राइनोसेरस हिरन। और यहाँ पे कुछ बहुत ही शानदार जानकारी दी हुई है, जैसे कि यह लिखा हुआ है कि जितने भी फतिंगे होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई हड्डी नहीं होता है, और ये आश्चर्यजनक जानकारी जनरली लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे चिड़ियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो है वाइल्ड लाइफ का जो है सैंपल के रूप में, नीचे में क्रोकोडाइल है, ऊपर में बंदर, सांप, और जो है लियोपॉड, भालू, टाइगर, गैंडा, हाथी, बारहसिंघा, डॉल्फिन, ये सारे जो यहाँ पे पाए जाते हैं, अजगर, ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जंगली हाथी जो है स्केल्टन रखा हुआ है, और इसके हाथ में बहुत ही नज़दीक से आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पे जो है क्रोकोडाइल का स्केल्टन रखा हुआ है। ये जो है चीतल, जो कि आज हमें दिखा, काकड़, पाढ़ा, सांभर ईयर भी हमें देखने को मिला, और ये मगर और घड़ियाल, आप दोनों का जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्रोकोडाइल और घड़ियाल में क्या डिफरेंस होता है, जो है क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत ही चौड़ा चपटा जबड़ा होता है, और घड़ियाल का जो है पतला और लंबा। राइनो का स्केल्टन है, और यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में जो है एक घर, जो कि जंगल में कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे लियोपॉड कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट, फ्रस्की स्पॉटेड कैट, जंगली बिल्ली के बारे में जानकारी है, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी और सियार के बारे में भी जानकारी दी हुई है। दुधवा नेशनल पार्क में हम आए हुए हैं, और वर्ष 1861 से पूर्व जो है यह खैरीगढ़ प्रांत के राजा के अंतर्गत आता था, और 1958 में जो है बारहसिंघा संरक्षण के लिए जो है इसको 16 वर्ग किलोमीटर के रेंज को जो है रिजर्व किया गया था, और फिर इसको जो है सोनारीपुर वन्य अभयारण्य के रूप में जो है नाम दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो 490 का जो कोर एरिया है वह जो है 1972 में अधिसूचित कर बारहसिंघा के लिए जो है रिजर्व किया गया, और फिर 1976 में लगभग कतरनिया घाट वन्य जीव को भी इसमें ऐड कर दिया गया, जो कि 400 वर्ग किलोमीटर का रेंज है। तो इस प्रकार से जो है यह 883 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज जो है बन गया। कोर क्षेत्र जो है वह टाइगर के लिए रिजर्व किया हुआ है। बाद में पहले इसमें जो है पाए जाते थे गैंडे, जो कि विलुप्त हो गया, अंग्रेजों के समय ही जो है आखिरी गैंडा पाया गया था। उसके बाद यहाँ पे गैंडों को लाकर लगभग 8 गैंडों को बसाया गया था, जो कि अभी 40 से ज़्यादा के करीब में है। इसका मतलब कि गैंडे जो हैं यहाँ पे
आकर जो है वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जो है सबसे कम जो है 105 बाघ जो है यहाँ पे 2020 में जनगणना जो हुई थी बाघों की, उसमें जो है 1005 जो है यहाँ पे बाघ पाए गए थे। और गैंडों की संख्या लगभग 42 है। 5 प्रकार के हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं, बारहसिंगा, पांडा जो है, सांभर, चीतल और कांकड़ का अनूठा जो है प्राकृतिक जो है ये आवास है। और भी आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, ठीक है, कि जो है 170 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ का, वो बॉर्डर है, नेपाल से सटा हुआ है। और इसमें बहुत सारी नदियाँ भी हैं, जिसमें जो है घाघरा मुख्य नदी है, कोडियाल नदी है, गेरुआ नदी है। जल स्रोतों के रूप में जो है ब्रिटिश काल में ही अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा कुआँ खोदा गया था। और यहाँ पे 22 वन विश्राम भवन भी हैं, जहाँ पे आप आके रह सकते हैं। और आगे भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पार्क में जो है 15 नवंबर से जो है 15 जून तक यह पार्क जो है खुला रहता है। और इसके लिए पहले से आपको परमिशन लेना होता है। और 6:30 बजे के पहले यहाँ पे आपको पहले दिन आ जाना होगा, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है। और फिर यहाँ पे आपको यह कहा जाता है कि तड़क बड़क वाले कपड़े जनरली आप नहीं पहने, जिससे जानवर जो हैं उनको जो है कुछ आभास हो। आप नॉर्मल ही जो है कम कलर वाले ही कपड़े पहने। शाल रेस्ट हाउस करके यहाँ पे सरकारी कॉटेज है। और शॉल जो है वो हमारे यहाँ जो सखुआ होता है उसी को बोला जाता है, तो जनरली यहाँ पे सखुआ ही पाया जाता है। और जंगल में जो है सखुआ बहुतायत मात्रा में है। तो हम चलते हैं कैफेटेरिया, आपको यहाँ दिखाते हैं इधर में, यहाँ जो कैफेटेरिया है वहाँ चलते हैं और फिर कुछ नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से हम अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे। आपको गाड़ी दिख रही है, आने वाले कुछ समय में वही हमारे साथ यात्रा का सहभागी रहेगा। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। हमारे साथ हमारे गाइड हैं जो हमें कुछ जानकारी देंगे। तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बद्दल राम राणा, मैं नेचर गाइड के रूप में इस जगह काम करता हूँ सर काफी दिन से। तो अभी आप दुधवा नेशनल पार्क में आए हैं सर, तो आपको ये सब जो दिख रहा है नेचर का, जो भी आनंद आप ले पा रहे हैं इसमें, जो नेचर का इकोसिस्टम है वुडलैंड, ग्रासलैंड, वेस्टलैंड, तो आप वुडलैंड में चल रहे हैं तो ये थोड़ी अपलैंड है, उसके बाद थोड़ी ग्रासलैंड जो लो लैंड होता है। तो वुडलैंड का क्षेत्रफल टोटल 68% है और ग्रासलैंड 22% और 10% जो है वेटलैंड है। तो इसमें मतलब मैमल्स में आप मैमल्स में यहाँ पे जैसे वाइल्ड एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, पोर्कपाइन, अटर, क्रोकोडाइल, राइनो, ये सब एनिमल लेकिन दिखता बाय चांस। दुधवा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल टोटल 884 वर्ग किलोमीटर में है लेकिन दो पार्ट में है। हम जिस पार्ट में चल रहे हैं ये 680 वर्ग किलोमीटर वाला पार्ट है, जिसमें हम जा रहे हैं रूट नंबर 1 है, जिसमें 2 रेंज पड़ जा रही हैं। पीछे दुधवा रेंज था, अब इधर आप प्रवेश कर चुके हैं दक्षिण सोनारीपुर रेंज में। दक्षिण सोनारीपुर रेंज के ही अंतर्गत जो हमारा राइनो एरिया है वो उसी के अंतर्गत आता है। अभी हम देखिए, हमारे पास कम समय होने के नाते हम कुछ एरिया कवर कर पाएंगे। अभी हम चल रहे हैं उस हैबिटेट पे जहाँ पे स्वाम्प डियर का मेन दुधवा का जो है लोगो वो है स्वाम्प डियर, जो यूपी का स्टेट एनिमल है। और भी आप कुछ पूछना चाहेंगे सर पूछ सकते हैं। टाइगर दिखने का कितना चांस रहता है यहाँ पे? टाइगर दिखने का चांस तो अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता सर। इसमें जैसे दिखना होता है सारा नेचर में है, तो इसमें अभी भी दिख सकता है। पूर्णतः हम नहीं बता सकते कि आपको श्योर इतने प्रतिशत जो है चांस है।
ऐसा नहीं है, दिखना होगा अभी दिख सकता है। टाइगर तो टाइगर रहा है, राइनो, राइनो का तो इनक्लोजर है, वो उसमें जाने से ही दिखेगा। बाकी जैसे वाइल्ड एलिफेंट, स्लोथ बियर, स्वाम्प डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर, सांबर डियर, ये सब है। ये कब बना है ये दुधवा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क 1977 से घोषित किया गया है। उससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोनारीपुर बारासिंगा के नाम से ये था, अंग्रेजों के समय से था। अंग्रेजों के समय से बाद में सर, अंग्रेजों का मतलब समय तो 1947 से पहले रहा सर। 1961 तक ये जंगल किसी, जैसे मान लो खैरीगढ़ के राजा थे उनके अधीन था 1861 तक, फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपने अधीन लिया। आपने जो बताया कि ये जो 450 नहीं 490 स्क्वायर किमी का जो रेंज है वो है कोर जोन, बाकी बफर जोन है सर। कुल मिला के 884 वर्ग किलोमीटर टोटल होता है। कतरनिया घाट इसी के अंतर्गत? कतरनिया घाट दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, ना कि दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा प्लस किशनपुर को मिलाकर के दुधवा नेशनल पार्क कहलाता है सर। दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट, दुधवा, किशनपुर, नॉर्थ खीरी, साउथ खीरी का जंगल जोड़ करके टोटल एरिया 2201.77 वर्ग किलोमीटर होता है। और जनरली एक दिन में कितने लोग यात्री यहाँ आते हैं? अभी आने को तो जैसे अभी कुछ कमी लोग आ रहे हैं, लेकिन पूर्णतः रूप से जब भीड़ बढ़ती है तो एक रूट पे लगभग एक विजिट में 20 से 22 व्हीकल अलाउ करते हैं, क्योंकि ये तीन रूटों में बटा हुआ है, जिसमें हम चल रहे हैं रूट नंबर 1 है, दूसरा सत्याना वनमार्ग है वो नंबर 2 कहलाता है, 3 जो है हमारा वो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसका पार्ट दुधवा में जोड़ा गया है, तो वो भी दुधवा नेशनल पार्क ही कहलाता है। बाद में जोड़ा गया उसको। जी हाँ। कितने टाइगर हैं लगभग यहाँ पे? दुधवा ये जो पार्ट है 680 वर्ग किलोमीटर वाला, तो इसमें अभी प्लस में टाइगर है टोटल 35 का आंकड़ा है। अभी हमने जो देखा है वो प्लस में है। इस रूट नंबर 1 में एक टाइगर्स को देखा 3 कब्स के साथ और एक टाइगर्स को देखा 4 कब्स के साथ, ये प्लस में है, उनका कोई इसमें जोड़ा नहीं गया। और सबसे बेहतरीन समय कौन सा रहता है घूमने के लिए? बेहतरीन समय तो अब मतलब कहा जाए तो सर घूमने के तो अप्रैल मंथ जो है, जैसे पतझड़ होने के बाद हरियाली आती है सर, वो समय बेस्ट है। बाकी साइटिंग के लिए विंटर में भी इस सीजन में स्टार्टिंग से ही साइटिंग जबरदस्त होना स्टार्ट हुई। अब जो थोड़ी बीच में अप्रैल के बाद थोड़ी डाउन हुआ, अब फिर जोर पकड़ रहा है, इसलिए कि वो पानी की शॉर्टेज हो रही है, जो नेचुरल वाटर बॉडी जो है अंदर छोटे छोटे ताल तलिए वो सूख रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं सर, ये टेरिटरी मार्क टाइगर का जो मार्किंग है आप देख रहे हैं, इस जगह ये टाइगर मार्किंग करेगा, इरविन छोड़ेगा, ताकि दूसरा टाइगर आकर के देख कर समझे कि इस जगह ऑलरेडी एक टाइगर रह रहा है। ये मेल का अपना वो एरिया होता है, मेल की कहानी होती है, और मेल के एक अकेले मेल के रेंज में 2 से 3 फीमेल रह सकती हैं। टाइगर, दो टाइगर एक साथ नहीं रहते हैं? हाँ, मेल आपस में नहीं रह सकते सर। देख सकते हैं वहाँ पे एक हिरन आपको दिख रही होगी, और यह कौन सा हिरन है? स्पॉटेड डियर मेल। ये स्पॉटेड डियर मेल, इसको चीतल बोलते हैं, चित्ती होने के नाते।
इसके ऊपर स्पॉट है, इस वजह से ये चीतल बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 3 ये सारे मेल से देख रहे हैं, मेल ग्रुप। यहाँ पे चार जो है मेल चीतल है, पांचवा इधर भी आ गया, और भी आ रहा है, वो सारा मेल ग्रुप है सर। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हिरन का एक झुंड है। जानवर का पहला खेत मिल चुका है। अभी हमारे सामने जो है चीतल कुछ मिले थे, जिनको स्पॉटेड डियर कहा जाता है, और वो झुंड में थे, उसमें से चार जो है मेल चीतल थे। तो हमारा पहला जानवर दुधवा नेशनल पार्क में पहला जानवर से मुलाकात हमारा हो चुका है। और इस लंबे से दिख रहे मचान के ऊपर हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे गाइड जो है आगे आगे गए हैं, तो हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं दूर कहीं कोई जानवर हमें दिखता है या नहीं दिखता है। अभी एलिफेंट का हट था कल, और आप देख सकते हैं हम यहाँ मचान के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से आप दूरबीन के माध्यम से आप दूर में वहाँ पे 12 सिंगा बैठे हुए हैं उसको देख सकते हैं, और इधर में जो है जंगली सुअर बैठे हुए हैं, और ये जो ताल दिख रहा है यहाँ से समरसेबल के थ्रू पानी जो है आगे जाके वहाँ पे उसको थोड़ी इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे जानवर आकर पानी पीते हैं। और जो सामने आपको दूर 12 सिंगा दिख रहे हैं, वो 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और कितनी भी गर्मी या ठंड हो वो हमेशा ही मैदानी इलाके में ही रहते हैं, कहीं छाया में नहीं जाते हैं। यहाँ से दूर दूर तक आप देख सकते हैं, और दुधवा नेशनल पार्क जो है इसी जगह से स्टार्ट किया गया, स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था स्टार्ट? ये करीब 58 के उस पर हुआ सर, 1958 से, 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से। और उधर भी जंगली सुअर हैं पूरे, यहाँ दूरबीन से जो है आप देख सकते हैं सामने जो है जंगली सुअर का जो झुंड है, वो टाइगर का फेवरेट फूड है, इस वजह से जो है जहाँ भी आपको जंगली सुअर दिखे तो आप यह मान सकते हैं कि आपको टाइगर दिखने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जो है हम वापस इस मचान से जिसे पीछे जा रहे हैं, ये वाइल्ड एलिफेंट का यहाँ पे बड़ा प्रकोप रहा सर। अच्छा, ये जो स्टेयर जो है ना, ये रेलिंग सारी तोड़ दी। अब ये समरसेबल का जो वायर था वो भी उखाड़ दिया था। अब इतना वो शरारती होते ना एलिफेंट, एलिफेंट दिखने के कितने चांसेस हैं? अब एलिफेंट का तो नहीं, अब हर्ट जा चुका, कल शाम का था सर। अच्छा। शाम तो पूरा हर्ट था। ये यहाँ से समरसेबल से जो है ना सर, इसमें भी दिक्कत किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी, ये सारे पगमाक उसके हैं एलिफेंट के। और भी जैसे ये यहाँ तो जैसी भी आई, खैर अभी आपको चिन्ह दिखेंगे एलिफेंट के। तो छोटे बेबी वालों को भी अपना सेक्स के लिए अग्रेसिव करता है, दौड़ाता है, तो सारे ग्रुप वाले मिलकर उसको अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं। जब अलग कर देते हैं तो वो फिर बौखलाए वो घूमता है, जहाँ पे ग्रुप होगा उससे करीब 2 किलोमीटर दूरी पे वो भी रहेगा आसपास में, लेकिन ग्रुप से अलग रहेगा। चलिए चलिए बैठिए। आप देख रहे हैं पीछे जो मचान है, और ये हमारा जो है गाड़ी है जिसके थ्रू हम यहाँ पीछे दो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनमें एक जो है टिनैया हीरो हैं, ब्लैक चश्मा मार दिए हैं, और जो कि बच्चों का चश्मा है गलती से छूट गया था तो बस उठा के पहन लिए।
जनरली जो भी यहाँ पे पेड़ है उसमें 75% पेड़ जो है वो सखुआ के, जिसको सॉल भी बोला जाता है, और उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा पेड़ है वो है जामुन का पेड़। वैसे इस पूरे सेंचुरी में 75 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मौजूद है। और फिर जो है हम यहाँ से दूसरा रास्ता ले रहे हैं और फिर देखते हैं और हमें कोई और सा जानवर देखने को मिले। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ग्राउंड है और वहाँ पीछे में जो है एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है जहाँ पे जो है जंगली जानवर आकर पानी पीते हैं। और एक अच्छा खासा एरिया जो है ग्रासलैंड का होता है और आपको जो जंगल में आग लगा हुआ दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल में आग लग गया है, ऐसा नहीं है। ये आग जो है वो लगाई गई आग है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो उस समय आग लगाई जाती है, जिसे कूल बर्निंग भी कहा जाता है, ताकि जो है नए घास उग सकें और जितने भी जंगली जानवर शाकाहारी हैं वो खा सकें। और यहाँ पे आपको जो है आप दीमक की बाम्बी देख सकते हैं, क्योंकि दीमक के बाम्बी के बारे में सबसे बड़ी कहानी यह है कि कोई भी पेड़ जो सूखा हुआ हो, खड़ा हो या पड़ा हो, और यहाँ जंगली मुर्गे हमें दिख रहे हैं, तो ये बाम्बी आपको दिख रहा है। तो जो लाइफ साइकिल होता है नेचर का, उसका यह प्रतिबिंब है। लकड़ी सूखने के बाद जो है दीमक उसको खाकर फिर से एनर्जी लेता है, और फिर दीमक को उससे बड़े जानवर खाते हैं, उससे बड़े जानवर फिर खाते हैं, उसके बाद जो है ऐसे कर कर के टाइगर लास्ट में आता है, और इस तरह से जो एक फूड चेन है वो कंप्लीट होता है हमारा नेचर का, पेड़ से शुरू होकर वापस फूल तक ही आता है। और ये 9 फुट की बाम्बी में लगभग 15 लाख दीमक होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर होने के चांसेस हैं। हम देखते हैं टाइगर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क में आने के लिए आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करना होता है, जो कि 4000 रुपये पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री फी के रूप में आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। और यहाँ आपको जो है एक गाइड मैंडेटरी है, जो कि आपके साथ ही जंगल सफारी में जाएगा, यहाँ किसी भी सिचुएशन में आपको सहायता करने के लिए है। और हमारे गाइड ने हमको यह जानकारी दी कि जो हाथी होते हैं वो जनरली झुंड में रहते हैं, लेकिन कुछ हाथी जो है वो अपनी कामुकता की वजह से उनको जो है झुंड से बहिष्कृत कर दिया जाता है, और वह जो है अपने झुंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और वैसे हाथियों से अक्सर जो है खतरे के आसार होते हैं। इसलिए जो है गाइड ने बताया कि वैसे हाथियों से हम लोग जो है सावधानी से दूरी बरकरार रखते हैं, और टाइगर के मामले में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टाइगर के आप करीब से भी जा सकते हैं, बस आप शोर ना मचाएं और हिले डुले नहीं, बस टाइगर को डिस्टर्ब ना करें। वायर लगा हुआ है और यह वायर कोई बाउंड्री नहीं है, यह है इलेक्ट्रिक डीसी करंट, जो कि राइनोज को रोकने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि राइनोज जंप नहीं कर सकते हैं, इस तार से टच होकर वो जो है वापस चले जाते हैं, और उनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहता है। बाकी टाइगर, डियर और अन्य जो भी जानवर हैं वो तो जंप करके इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो उनको आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, और केवल राइनो के रोकने के लिए यह जो है वायर लगाया हुआ है, उसमें डीसी करंट रहता है। यहाँ पे जो है लगभग 450 स्पीसीज जो है पक्षियों की पाई जाती हैं, जो कि विंटर और समर में अलग अलग समय में आया जाता है। अभी इस समय मई का महीना है और मुख्यतः यहाँ पे